सुप्रभात अभिनंदन। संस्कृत की इस कक्षा में आज फिर हम अपनी पाठ्य पुस्तिका के साथ एक साथ हैं और पिछली कक्षा से आगे बढ़ते हुए आज हम दोहराएंगे अपने पाठ को। हम संस्कृत की कक्षा में एक कहानी को समझ रहे थे जिसका नाम था कंट के नैव कंटकम। इस कहानी के अंतर्गत हमने अनुवाद समझना प्रारंभ किया था और उसके अंतर्गत अब तक की कहानी के अनुसार एक जंगल में एक चंचल नाम का शिकारी था और एक दिन वह जंगल में अपने जाल को बिछाकर अपने घर वापस आ गया। उसके पश्चात अगले दिन जब उसने जाकर देखा तो उसके जाल में दुर्भाग्य से एक शेर फंस गया था। उस शेर के फंसने के कारण वह डर गया और उसने सोचा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और जब वह वापस जाने लगा तो शेर ने उसको रोका और कहा कि तुम मुझे इस जाल से मुक्त कराओ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर चंचल ने शेर को जाल से मुक्त करा दिया। लेकिन जैसे ही शेर जाल से मुक्त हुआ उसने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम मुझे पानी पिलाओ। वह उसके लिए नदी से पानी लेकर आया और उसकी प्यास बुझा दी। शेर ने पानी पीकर कहा कि अब मेरी प्यास शांत हो गई है और अब मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। चंचल कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म के अनुसार कार्य किया और अब तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ तक की कहानी का अनुवाद हमने समझा था और अब हम अपनी पुस्तक में देखेंगे और बड़े ध्यान से आगे की कहानी को पढ़ना आरंभ करेंगे। तो देखें आप अपनी पुस्तक में, देखिए ध्यानपूर्वक पुस्तक में पेज नंबर 27 अर्थात 27 ऊपर जहाँ पर ये जाल बना हुआ है। आप यहाँ पर अपनी पुस्तक में आए और देखें व्याघ्र है एवदत। व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, शुद्धार्थाय किमपि अकार्य अकार्यम न भवति। भूख में कुछ भी अकार्य न करने योग्य नहीं होता है। सर्वं स्वार्थम सही समीहते, स्वार्थ में सब कुछ सही है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम एवदत, नदी के जल ने कहा। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। एवमेव ऐसा ही भवती होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ती, जना लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा प्रक्षालयन्ति कहते हैं धोना। तथा च मलमूत्र आदि विसर्जय निर्वन्तते, और मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं। वस्तुतः सर्व है स्वार्थ समीहते, वास्तव में सब कुछ स्वार्थ पर ही निर्भर है या स्वार्थ में सब कुछ होता है और सब वास्तव में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को ही चाहता है। आगे चंचल वृक्षम उपगम्य, चंचल वृक्षम उपगम्य। अगले पैराग्राफ में आप बड़े ध्यान से देखें कि चंचल ने वृक्ष के पास जाकर अपृच्छत पूछा। वृक्षम वृक्ष उपगम्य पास जाकर, वृक्ष है एवदत, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव अस्माकं हमारी छायायां छाया में विराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलानि फल खादन्ति खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददती, और फिर कुठारई कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें सर्वदा हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ कहीं भी छेद करते हैं। सर्व है स्वार्थम समीहते, सभी कुछ स्वार्थ पर ही निर्भर है। फिर आगे देखिए क्या होता है। समीपे एका लोमशिका, पास ही एक लोमड़ी बद्री गुलमानाम पृष्ठे नीलिनाम एता
वार्ता श्रृणोति स्म। पास में, समीपे, पास में, एका एक लोमशिका लोमड़ी बदरी गुलमाराम अर्थात बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे नीलेना छिपकर, एताम यह वार्ताम वार्ता बातचीत श्रृणोति सुनती है कि पास ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपकर यह बात सुनती है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह सहसा अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताओ। सह एवदत वह बोला, सह एवदत कौन बोला, चंचल, वह बोला, एह है मात्र स्वसह, अरे मौसी अवसरे तुम समागतवती, तुम सही अवसर पर आई हो, समागतवती सही अवसर पर आई हो, अवसरे पहले ध्यान दिया हुआ है और तुम मतलब तुम, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, मैंने इस प्राण के सॉरी बाघ के बाणों प्राणों की रक्षा की है, परम एष है मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मामेव मुझे ही, मम एव अर्थात मुझे ही खादितुम खाने की इच्छा करता है। तदंतरम सह लोमशिकायै निखिलां कथां निवेदयत, उसके बाद लोमड़ी ने, लोमड़ी को निखिलां कथां संपूर्ण कथा निवेदित की अर्थात बताई। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी सारी बात बताई, कथा का मतलब बताई। आगे देखिए, लोमशिकां चंचलम अकथयत, लोमशिका ने चंचल से कहा, बाढ़म त्वम जालम प्रसार्य, बाढ़म ठीक है, त्वम तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम एवदत, फिर उसने बाघ से कहा या फिर वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम् प्रत्यक्षम् द्रष्टुम् इच्छामि, केन प्रकारेण कि किस प्रकार तुम एतस्मिन् इस जाले जाल में बद्ध है बंध गए, इति यह अहम् मैं प्रत्यक्षम् प्रत्यक्ष द्रष्टुम् देखने की इच्छामि इच्छा करती हूँ, केन प्रकारेण किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए, यह मैं प्रत्यक्ष देखने की इच्छा करती हूँ। व्याघ्र है तद्वृत्तान्तम् प्रदर्शितुम्, जो बाघ था तद्वृत्तान्तम् उस वृत्तांत को दिखाने प्रदर्शितुम् दिखाने तस्मिन् जाले प्राविशत उस दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका पुनः कहती है, लोमशिका अर्थात लोमड़ी पुनः कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथाई समाचरत, वह वैसा ही करता है, अनारतम कूर्दतेन लगातार कूदने से, अनारतम कूर्दनेन लगातार कूदने से सह श्रांत है एवं वह थक जाता है। जाले बद्ध सह व्याघ्र क्लांत सन निसहायो भूत्वा कि जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर निसहाय होकर बैठ जाता है। तत्र अपतत वहां गिरकर प्राण भिक्षा इम इव अयाचत, वहां गिरकर प्राण भिक्षा इव अपने प्राणों की भिक्षा मांगता है। लोमशिका व्याघ्रम एवदत, लोमड़ी बाघ से कहती है, सत्यम त्वया भणितम तुमने सही कहा, सर्वम स्वार्थम समीहते अर्थात सब कुछ स्वार्थ पर ही स्वार्थ के लिए ही है, या स्वार्थ सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। इस प्रकार वह लोमड़ी व्याघ्र को
उसी के छाए हुए जाल में फंसा देती है और चंचल वहां से खुश होकर चला जाता है। इस कहानी के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार इस कहानी की शुरुआत हुई और लोमड़ी के द्वारा कैसे चंचल को न्याय मिला। इसके बाद हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे और समझेंगे। मैं लिखकर आपके पास भेज दूंगी, आप इनके शब्दार्थों को पूर्ण करेंगे।